Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि एक दोस्त ने बोला था कि यार क्या एजुकेटेड लोगों को, जो लोग BSc, MSc, FSc वगैरह करके इधर आते हैं, क्या उनका कोई स्कोप है इधर? तो उसके बारे में दोस्तों आपको आगाह करूँगा। तो दोस्तों पहले तो मैं एक बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ, वो है कि इस्तांबुल में सबसे जो मेन परेशानियाँ वो है लैंग्वेज की, ठीक है। जब तक आपको ज़बान नहीं आती दोस्तों आप कुछ नहीं, इनके लिए सिफर सिफर से भी नीचे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को उधर जो होता है ना पाकिस्तान में, ये होता है कि यार उधर इंग्लिश चलती होगी, जाके इंग्लिश से काम चला लेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन ऐसा भाई कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है। अगर किसी को भी आप इधर आके या अपने दोस्तों से पूछ ले किसी को इंग्लिश आती है तो वो आपको ना में ही जवाब देगा। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कोई स्कोप नहीं है दोस्तों, ठीक है। कि और जब तक ज़बान नहीं आएगी तो आपको कोई जॉब भी अच्छी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप वीज़े पर भी आते हो, ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑनलाइन अप्लाई करो और फिर इधर आके कोई जॉब का जो है ना ज्वाइनिंग करो। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल आपको नहीं आना चाहिए इधर दोस्तों, क्योंकि इधर आओगे तो फिर फैक्ट्रियों में धक्के वगैरह खाने पड़ेंगे, तो जलालत है दोस्तों, ठीक है। शॉर्टकट में जो मैं बताऊँ तो जलालत ही है, ठीक है। और नॉर्मल बंदे को भी इधर काम करने वाले को ऐसे ही है, बस 11 घंटे काम और 1 घंटा जो है ना वो रेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो कीजिए सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।